हेलो फ्रेंड्स, मैं राज शर्मा। मेरे चैनल है रन लूनी द्वी राज शर्मा। दोस्तों, मेरे चैनल में कमेंट्स आया था परफुल मानवी जी का कि डिग्री को मिनट्स में कैसे चेंज करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट डिग्री टू मिनट्स। दोस्तों, आपने अगर मेरा पहला चैनल नहीं देखा हो तो एक बार मेरा पहला चैनल देखना, जिसमें मैंने सिंबल के बारे में बताया था, जैसे डिग्री का सिंबल क्या है, मिनट्स का सिंबल क्या है और सेकेंड का सिंबल क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूँ, एक डिग्री बराबर 60 मिनट्स, एक डिग्री बराबर 60 मिनट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बताया था डिग्री का सिंबल ये है, मिनट्स का सिंबल ये है। तो दोस्तों, अगर सेकंड की बात करें, सेकंड का सिंबल में आपको डबल ई मिलेगा, तो ये सेकंड का सिंबल ऐसा होता है। तो दोस्तों, ड्राइंग में जब भी आप एंगल चेक करते हो तो उसमें एंगल जब देते हैं तो उसके चेक करने के लिए आपको एंगल ऐसे दिया था ड्राइंग में 30 डिग्री, तो उसमें आपको टॉलरेंस दी होती है 30 डिग्री है, जैसे टॉलरेंस है तो प्लस 15 मिनट्स। तो दोस्तों, जैसे 15 मिनट्स दी हुई है या प्लस में 30 मिनट्स ऐसे भी आता है कई बार। तो दोस्तों, इसको तो आप मिनट्स को डायरेक्ट इसमें कर लेते हो तो आपको लग जाता है कि 30 डिग्री 15 मिनट से 30 डिग्री और 30 मिनट तक ये इधर से इस तक आपका चलेगा। तो दोस्तों, ये तो आप कर लो होते हो ये वाला, और जिसमें कई बार ड्राइंग में आपको जब टॉलरेंस दी होती है डिग्री की तो आप ऐसे देते हैं 30 डिग्री और 0.25 डिग्री। ये दोस्तों, ये तो आपको टॉलरेंस ये दी है, उसमें डिग्री में टॉलरेंस दी है, मिनट्स में नहीं दिया, आपको डिग्री में टॉलरेंस दी है, प्लस में 0.5 डिग्री। दोस्तों, ऐसे जब आपको टॉलरेंस देते हैं तो इसको आपको ये डिग्री की टॉलरेंस को पहले मिनट्स में चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों, मिनट्स में चेंज कैसे करते हैं तो मैं आपको आज यही बताऊंगा मिनट्स में कैसे चेंज करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको मैं पहला उदाहरण देके जब बताऊं, जैसे 0.25 डिग्री, दोस्तों जैसे ये वाला है, पहले ये मैं करके दिखा रहा हूँ, 0.25 डिग्री को अगर बराबर कितने मिनट्स, कितने मिनट्स होते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन मार्क कितने मिनट्स होंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते। तो इसको निकालने के लिए आपको 0.25 डिग्री हो गया इंटू मिनट्स में चेंज करने के लिए इंटू, मैंने आपको पहले ही बताया था एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो आपको इसको 60 से गुणा करना, तो इंटू 60। तो जब आप इसको गुणा करोगे तो ये पॉइंट है, तो पॉइंट तो हट जाएगा, तो 25 रहेगी, तो नीचे आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो संख्या है, तो आपको 100 हो गया इंटू 60। तो ये आपकी ये संख्या 25 चौक 100 और 4 से 15। तो दोस्तों, ये आपका 15 मिनट्स, ये आपका ऐसे 15 मिनट्स आपका निकल जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही आपको एक और उदाहरण देता हूँ, ये वाला 0.5 डिग्री, तो 0.5 डिग्री बराबर कितने कितने मिनट्स, ये क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, ये ऐसे ही जैसे आप करोगे 0.5 इंटू 60, जब आप दोस्तों इसको इसे करोगे तो आपका ये निकल के आएगा 30 मिनट्स। दोस्तों, ऐसे आप डिग्री को मिनट्स में चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा डिग्री को मिनट्स में चेंज करना है। अगर आपको और कल अगली वीडियो में जब भी बताऊंगा आपको मिनट्स को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, तो अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या समझने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे जरूर जरूर कमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।